हेलो फ्रेंड्स, आज एक और संडे और आज का प्लान है हमारा भीमताल पैराग्लाइडिंग का। तो बस निकल रहे हैं। मौसम अभी तक तो धूप थी, लेकिन अब धीरे धीरे बादल आने स्टार्ट हो गए हैं, तो लग रहा है कि ऊपर जाने तक मौसम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पीछे आप देख भी रहे हैं वीडियो में, तो बादल आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। थोड़ा लेट ज़रूर हो गए यहाँ पर हम लोग, 11 बजने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी पूरा दिन है हमारे पास। तो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं भीमताल और आज करते हैं पैराग्लाइडिंग। अंतरिक्ष के नाम से ही बच्चा खुश हो गया। स्पेस में जाएगा मुन्ना, स्पेस में घूमी कर लेगा, अंकल तेरे को स्पेस ले जाएगा। हेलो गाइस, हम भीमताल पहुंच गए अभी जस्ट। अच्छा लग रहा है यहाँ पे भीमताल, भीमेश्वरी देवी मंदिर। देखिए भीमताल बस जस्ट पहुँचा रहे, आपको हम भीमताल दिखाते हैं। ये देखिए, ये भीमताल, हाँ तो बताल भीमताल। देखिए क्या मस्त नज़ारा है। देखिए विला कितना रिजॉर्ट है, ग्रैंड विलास रिजॉर्ट, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए पूरे पहाड़ पे बिल्डिंग बनाई है। अच्छा वहाँ जाना है, पैराग्लाइडिंग वहाँ होती है। चलो आज पहाड़ी का भी मजा ले लेते हैं, बहुत टाइम पास। वैसे भी पहाड़ों में मिली है चढ़ाई, नहीं है चढ़ाई। हाँ देखो मिशन तो 20 दिन पहले ही सक्सेसफुल नहीं था। A few moments later, मतलब मॉर्निंग से ऐसा लग रहा था कि भाई हम लोग लेट क्यों हो रहे हैं, लेट क्यों हो रहे हैं। और ये भी कह रहा सर चल क्यों नहीं रहे हो, आंसू तक रूम पे ये कह रहा था भाई अब जा क्यों नहीं रहे हो, आज मेरा भी ऑफ है, तुम लोगों के चक्कर में अभी मैं भी यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो समझ ही नहीं आ रहा था लेट हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है। यहाँ पे आ गए भीमताल, अभी लेक के पास हम लोग खड़े हैं। ये अभी उनसे कॉल करी, उन्होंने बताया भाई 20 दिन पहले ही बंद हो चुका है पैराग्लाइडिंग, 20 दिन पहले से बंद है। बस अब पता चला कि हम लोग मॉर्निंग से लेट क्यों हो रहे थे। अब हमारा कोई प्लान नहीं है सेकेंडली, क्योंकि हमने कोई इस वीक मैंने इसके अलावा और कोई भी प्लान नहीं बनाया था। और जिस जगह पे हैं हम यहाँ पे भीमताल, यहाँ से अभी एकदम से बहुत नया प्लान बना रहे, अभी कोई ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि आधा दिन हमारा निकल चुका है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म। तो अब हम लोग चल दे रहे हैं नौकुचिया ताल की तरफ और वहाँ पे घूमते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि अभी तक गए तो नहीं है वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे खाली टाइम वेस्ट करने से तो ज़्यादा बेटर है कि हम लोग नौकुचिया ताल चल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी नौकुचिया ताल। आज का दिन ऐसी रहेगा ना, कोई प्लान नहीं है, खाली घुमाई हो रही है और कुछ नहीं। तो अभी नीचे को उतर रहे हैं हम लोग, ये रास्ता, ये बोट। उधर आप देख रहे हैं सब बोटिंग कर रहे हैं, वो पीछे ये इधर पूरा। अच्छी जगह है वैसे तो, काफी हरियाली है चारों तरफ आप देखिए। यहाँ पे आने का अभी कोई प्लान नहीं था मेरा, तो ठीक है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है हमें यहाँ पे आना ही होगा आज, और इसीलिए हमारा आज का पैराग्लाइडिंग कैंसिल हो गया। आज का क्या, वो पूरा सीजन ही कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम लोग रुके हैं,
आधा एक घंटे से ज़्यादा हो गया हमें। नौकुचिया ताल जैसे भीमताल है लगभग लगभग वही चीज़ है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे नौ कोने हैं इस ताल के, जो है नौ कोने हैं। जैसे एक कॉर्नर वो आपको दिख रहा होगा, वो है और हर एक एक जो कोना है, कॉर्नर है, उसका अलग अलग नाम भी रखा गया है यहाँ। तो यहाँ पे नौ कोने इसीलिए इसका नाम है नौकुचिया ताल। तो यहाँ पे वैसे मुझे भीमताल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि काफ़ी शांति है भीमताल में। नैनीताल में क्या है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है वहाँ पे, टूरिस्ट इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे आप ना इस चीज़ को फील नहीं कर सकते। जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचर ने बना रखी है ये चीज़, इसको आप फील नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको पूरा मौका मिलता है। आप चाहे आधे घंटे रुको, आधा दिन रुको, या पूरा दिन यहाँ पे आकर, तो आपको फील करने के लिए प्रॉपर चीज़ मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शांति है, आप अभी हम लोग आते रहे तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पर भी टूरिस्ट है लेकिन उतना नहीं है जितना आपको नैनीताल या भीमताल में दिखेगा। नैनीताल भीमताल का क्या है, कोई भी उस रूट से आ रहा है जा रहा है तो समझो ऐसे टूरिस्ट ही ट्रीट होता है, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा हट के है, अलग है। तो यहाँ पे ये मुझे काफ़ी चीज़ अच्छी लग रही है कि हम लोग यहाँ पे जितना टाइम भी रुके, काफ़ी शांति है, कोई हपड़ दपड़ नहीं है या फिर टूरिस्ट का हुजूम नहीं है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी कि नेचर के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, और इस झील को, इस नौकुचिया ताल को आप इसे फील कर सकते हो। यहाँ पे आप आओगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आपको देर बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर चलते हैं हल्द्वानी की तरफ।